पंजाब के बठिंडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में अंधाधुंध गोलीबारी हुई और इस गोलीबारी में चार लोगों की मौत भी हो गई। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को लेकर बताया जा रहा है कि गोलीबारी की घटना बुधवार तड़के 4:30 बजे हुई है और गोलीबारी की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। साथ ही इसका भी पता नहीं चल पाया है कि इस वारदात को किसने अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। इस मामले पर अधिकारियों ने बताया कि फायरिंग सुबह 4:35 पर हुई है। इलाके में क्विक रिएक्शन टीम सक्रिय हो गई है। पूरे इलाके को घेर कर सील कर दिया गया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन भी जारी है। पंजाब के बठिंडा स्थित आर्मी एरिया में फायरिंग की खबर सभी को हैरान कर देने वाली है। कैंटोनमेंट एरिया को फिलहाल सील कर दिया गया है। छावनी में घटना के बाद किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि कैंट में फायरिंग हुई है जिसमें 4 फौजियों की मौत हुई है। चारों 80 मीडियम रेजिमेंट के थे और फायरिंग करने वाला शख्स सादे कपड़ों में था। जानकारी ये भी मिली है कि कुछ दिन पहले एक राइफल गायब हुई थी और ये राइफल इंसास गार्ड रूम से गायब हुई थी। सेना के दक्षिणी पश्चिम कमांडर ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि बठिंडा मिलिट्री स्टेशन के अंदर आज सुबह तड़के करीब 4:35 पर फायरिंग की घटना हुई जिसमें 4 लोगों के हताहत होने की खबर है। स्टेशन क्विक रिएक्शन टीमों को सक्रिय कर दिया गया है और इलाके को घेर लिया गया है और सील कर दिया गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन भी जारी कर दिया गया है। फायरिंग की वजह का अभी पता नहीं लग पाया है, इसलिए तलाशी अभियान भी जारी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।